थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज कर लूं मैं, आगे थोड़ा सा रास्ता और बचा। हम ये प्लान करके आए थे कि हम पेंगोंग आके और वापस जाएंगे, अब तो हम आधे रास्ते में हमको पहुंचे भी नहीं अभी तक। जो भी तू ट्रैवल करने वाला बंदा है ना, ट्रैवल पसंद व्यक्ति है भाई, एक से दो साल इस एरिया में मत आना। मतलब क्या है, देखिए समाज जो है हमारा, समाज ही डर रहा है बोलने से, डर रहा है बताओ। हाँ मतलब खुद ही बोलते हैं, पीछे से बोल रहे हैं, सामने बोलो ना। देखो ये खड़ा समाज, हाँ समाज सरकार समाज मुंह छुपा रहा, बताओ समाज मुंह छुपाए खड़ा है तो सरकार तो मनमानी करेगी। क्या करके रह दिया है भाई, ये देखो ये क्या कह रहे हैं आप के बारे में कुछ कह रहे थे। यहाँ पे कंडी लाएंगे, यहाँ कंडी लानी है, यहाँ हिल गए हमारे, इधर लाओ हिल गए। हाँ ये दूसरा समाज आया, समाज बोल क्यों नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या बोलना चाहते हैं, 200 किलोमीटर की मां बहन कर दी इन्होंने, बताओ बोलो। देखो जी उन्होंने तो जो कर दी कर दी, जो हमारी हुई है उसका हिसाब नहीं, अपनी दिखाओ एक बार दिखाओ, देखो ऐसा हाल देखो, स्टील में क्रैक पड़ गए, नहीं लगवाई स्टील क्या पिछवा नहीं लगवाई थी, नहीं लगवाई थी अभी, और देखो इनके हाथ क्रैक हो गए हैं, क्रैक पड़ गए। समाज कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है बताओ, बताओ कहा हो वो, कहा गया सामाजिक प्राणी को, तीसरा समाज कहा है हमारा समाज, अभी देखिए हमारे पास आ रहे तीसरा समाज। हाँ समाज ये भसड़ मची है जो यहाँ पे उखाड़ उखाड़ के दोबारा बना रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आएगी, अरे कोई बात नहीं, चाहता हूँ मेरी आवाज है ना बिल्कुल क्लियर। देखो समाज अभी तैयार होने वाला है भाई साहब, ये लगा कैमरामैन प्लीज इधर दिखाइए, कैमरामैन इधर दिखाइए, एक समाज जो कुछ बोलना नहीं चाह रहा, पूछ पा रहा है, दूसरे समाज की फूकी है, फूट गए भाई, आइए आइए कैमरामैन इधर दिखाइए, इधर दिखाइए कैमरामैन, टूटा हुआ समाज है भाई, माइक लगा हुआ है। ऐसा है मेरे प्रियतो, मेरे प्रियतम, मेरे लगते जिगरो, जो बंदा लद्दाख आ रहा है और जो ये हसीन सपने लेके आ रहा है ना कि लद्दाख में आके तो पता नहीं कौन सी जन्नत के नजारे मिलेंगे, भाई पेंगोंग लेक आ रहे हो ना तुम, ले से जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी, इतना वाहियात रास्ता है और ये बताने वाला तुम्हें कोई नहीं है, दूर से दूर तक नहीं इसलिए भीड़ कम थी, दूर से दूर तक इताड़ी है वो, क्या हाल है देखो, जूम करके धूल मारते आ रही है गाड़ी, देखो देखो इधर जाओ, देखो क्या हालत है, क्या हालत है देखो, मेरी फ्रस्ट्रेशन तक निकलेगी ना, मैं आगे नहीं जाऊंगा, निकालो। अरे यहाँ अच्छे बैठे थे, वहाँ अच्छे से निकले, दो घंटे पहले रोड आया था 35 किलोमीटर पेंगोंग लेक का, दो घंटे से ज्यादा हो गए चलते हुए, शरीर का हिस्सा हिस्सा चर चर कर रहा है, मेरी बाइक है ना नहा धो के निकाली थी सुबह, भूत बन गया बाइक का यार, मजाक बना रखा है बाइक आपके भाई साहब, हम बिल्कुल मेरी बाइक है, मुझे है ना देखो मुझे नहीं पता, देखो हम जब बीआरओ अच्छा काम करती है ना हम अप्रिशिएट करते हैं, बीआरओ ने बहुत अच्छा रोड बनाया, लेकिन अगर यहाँ बीआरओ इन्वॉल्व है भाई साहब वाहियात, जब चाहे वो प्राइवेट टेंडर हो या कोई भी हो बीआरओ का, भाई जब तुम्हारे बस की 200 किलोमीटर रोड एक साथ बनानी है नहीं तो ये तुमने 200 किलोमीटर की मां बहन क्यों कर दी, ये सारी की सारी पेंगोंग लगते सफेद हो गए मुंह पूरा नहा धोके निकले थे, मेरे को कोई ये बता दे, हमारे यहाँ सिस्टम है ना ऐसा बन गया है भाई, है कि नहीं, रोड बनेगा नहीं पूरा उससे पहले टोल कटता है भाई, मतलब समस्या क्या है भाई, जब तुम्हारे बस की नहीं है 200 किलोमीटर बनाने पार्टी क्यों, इतनी अच्छी रोड थी जब पिछले साल आया था, मलाई रोड थी यार, मजा आता था, अब मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, 3 घंटे हो गए चलते हुए, चांगला से लेके पांगला मैं पता नहीं क्या क्या हो गया यार, मैं ये चार भाइयों को साथ में लेके आया था, मैं कहा आ जाओ तुम्हारे को लद्दाख कराऊंगा, ये सफेद करा दिया मैंने, ओ गड्डी की शक्ल देखो क्या हाल बना रखा है भाई, देखो क्या हाल बना रखा है, वजीन वादियों में मचाओ, चार बार तो मेरी बाइक के ब्रेक फेल हो लिए ब्रेक मार मार के, अच्छा तुमने 200 किलोमीटर जो भी सोच के तुमने ये रोड पार भी दी हो भाई, तुमने सहूलियत क्या दी, किसी का ब्रेक डाउन हो जाए किसी का पंचर हो जाए रास्ते में, तुमने कोई बिठा भी रखा आपने, ब्रेक डाउन हो गया पीछे, अरे चार बार तो मेरे ब्रेक फेल हो लिए, पीछे जाके मेरे ब्रेक अपने दोबारा से रिस्टोर करवाए हैं, क्या ऐसी तैसी भेड़ रखी है यार, मैं बता रहा हूँ जो भी
तू ट्रैवल करने वाला बंदा है ना, ट्रैवल पसंद व्यक्ति है भाई, एक से दो साल इस एरिया में मत आना, मत आना। गवर्नमेंट है ना ऐसे ही ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये ना सिर्फ ये पहाड़ियां दिखाएंगे सफेद सफेद सी, देखो वो सुंदर सुंदर सी, यहाँ क्या खूबसूरत लग रही है, लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ियों का एक कड़वा सच भी है, जैसी सफेदी ऊपर है ना ऐसी सफेदी कपड़ों पे भी आएगी। हम ये प्लान करके आए थे कि हम पेंगोंग आके और वापस जाएंगे, अब तो हम आधे रास्ते में हमको पहुंचे भी नहीं अभी तक, वापस कब जाएंगे भाई आधी रात में, कौन सी सहूलियत है यहाँ। और फिर कहते हैं ट्रैवल करने वाले लोग हैं प्लान करके नहीं चलते, भाई तुमने कौन सी एडवाइजरी जारी कर रखी है यहाँ की कि हमने 200 किलोमीटर रोड की ना मावेन कर रखी है और तुम मत आना। यहाँ एंट्री करने से पहले इनर लाइन परमिट जरूरी है, ये बताना जरूरी नहीं है कि हाँ भाई आगे जाके तुम ये शक्ल भी देखोगे और वो 10-10 रुपए की 20-20 रुपए की पर्ची जरूर काटेगा। ये देख लो भाई आगे से, देखो देखो उधर उधर दिखाओ, उधर देखो वो आ रही है फर्राटे मारती आ रही है ओम फो। और भाई हमारी आर्मी कर अपनी है, आर्मी कर तो की साला ये प्राइवेट टेंडर होगा 110%। एक बंदे ने मुंह छुपा लिया है, कहीं पहचान में ना आ जाए, कहीं मोदी जी उठा के अंदर ना घुसा दे। भाई अगर ये इतने सारे लोग है ना, अगर ये किसी भी मिस हैपनिंग का शिकार होते हैं ना, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है वाहियात तरीके से। थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज कर लूं मैं, आगे थोड़ा सा रास्ता और बचा, थोड़ा सा दर्द और बचा वो भी झेलना है। तुम्हारे तो क्रैक पड़े पिछवाड़े में वो काम हेल्ड होंगे, होल हो गया दिल्ली जाते जाते तो तुम्हारे दो पीस हो जाएंगे, पार्टी के में तो होल हो गया। चलो भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट मत आना 2023 और 2024 पेंगोंग लेक मत आना, ले उतरो, ले के बाद खारदुंगला भी मत जाना, वहां भी रोडों के यही हाल है, ठीक है ना, सिर्फ ले आओ फ्लाइट पकड़ के ले आओ, घूमो फिरो और वापस जाओ बस। ये सफेदी है ना दूर से ही देखना बस।